हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। देखिए, मैंने ये शर्ट को ब्लू कलर से डाई किया है। आप इजली घर पे, कभी दाग धब्बे लग जाते हैं हमारे कपड़ों में तो आप आराम से कलर कर सकते हो घर पे। और देखिए, बिल्कुल परफेक्ट कलर आया है, बहुत अच्छे से इसकी फिनिशिंग आई है। इसके लिए हमको सबसे पहले पानी ले लेना है एक बर्तन में, और आप वही बर्तन यूज कीजिए जिसको आप इस्तेमाल में नहीं लेते हैं, खाना बनाने के इस्तेमाल में नहीं लेते हैं। पानी आपको थोड़ा ज्यादा ही लेना है ताकि कपड़ा अच्छे से सोख हो। आप अपने कपड़े के हिसाब से ले सकते हो। अभी हमको इसमें प्लेन खाने का, जो हम लोग खाना बनाने में इस्तेमाल करते हैं, नमक, वो डाल रही हूँ मैं। इधर 3 टेबल स्पून डाल रही हूँ, और इसको बॉयल होने देना है पानी को। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऑल्सो शेयर विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। देखिए, हमारा पानी बॉयल हो गया है, और आप अपने हाथों में ग्लव्स पहन लें, नहीं तो कलर आपके हाथ में लग जाएगा। और मैं यहाँ पाउडर डाई का यूज कर रही हूँ, आप आराम से ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं पाउडर डाई। मैं ये नेवी ब्लू कलर यूज कर रही हूँ। इसमें मैं ये 2 चम्मच डाल रही हूँ नेवी ब्लू का। अगर आपको थोड़ा डार्क शेड चाहिए तो आप 2 चम्मच की जगह आप 3 चम्मच कलर डाल सकते हो। आप ऐसे 1 चम्मच ले लें और उसकी हेल्प से आपको इसको मिक्स कर देना है अच्छे से। देखिए, पानी एकदम प्रॉपर अभी बॉयल हो गया, तो अभी इसको फ्लेम को स्लो कर देंगे और शर्ट को अंदर डाल देना है। और वो चम्मच के हेल्प से ऊपर नीचे करते रहना है। और इस तरह से आपको बीच बीच में कई बार ऊपर नीचे करना, ताकि कलर इक्वली सब जगह अच्छे से लगे। इस तरह से बीच बीच में ऊपर नीचे करते हुए आपको एटलीस्ट 5 से 8 मिनट तक इसको ऐसे लो फ्लेम पे आपको रखना है, इसको चूल्हे पे ही रखना है। आप जो भी बर्तन यूज करते हो कलर करने के लिए, उसको आप किसी भी खाने के लिए या पानी के लिए आप इस यूज मत करिए। उसके लिए, उसके बाद आपको उसको ठंडा होने के लिए रख देना है। एक बार जब ठंडा हो जाए तो उसको हम नॉर्मल पानी से वॉश कर देंगे। देखिए, इस तरह से मैंने टब में प्लेन वाटर रखा है, पानी रखा है, उसको इस तरह से 2-3 बार खंगाल के उसको सूखने के लिए रख देना है आपको। देखिए, एक बार और वॉश कर रही हूं मैं इस तरह से। देखिए, सूखने के बाद बहुत अच्छा कलर आया है इस पे।